Today we will discuss about the nitration mechanism of the benzene. Benzene में आपके electrophilic substitutions की reaction होती है, क्योंकि benzene के पास तीन triple bond होते हैं, तो electrophile can attack easily on the benzene. और benzene की जो तीन चार electrophilic reactions हैं, एक आपकी halogenation, दूसरी chlorination, तीसरी sulfonation और चौथी Friedel-Crafts reaction. तो इन चारों reactions में आपका जो नाइट्रेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जिसके बारे में IIT में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि HNO3 आपका एसिड की तरह बिहेव करता है कि बेस की तरह बिहेव करता है, या फिर आपका एम्फोटेरिक है या नन ऑफ दीज है. तो ये क्वेश्चन बेंजीन की नाइट्रेशन के बारे में IIT में आ चुके हैं, तो इन सबका हम डिस्कशन करेंगे. तो बेंजीन जो है आपका फर्स्टली जो बेसिक रिएक्शन है कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन और वाटर. ठीक है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म आपकी होती है वो किस तरीके से होती है कि आपका जो HNO3 है ये आपका H2SO4 से रिएक्ट करता है, और आपका H3O पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव प्लस आपका HSO4 नेगेटिव वर्क करता है. इसको हम लोग नाइट्रोनियम आयन कहते हैं. ये नाइट्रोनियम आयन ही बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करेगा. इट बिहेव्स वर्क द. अब इस रिएक्शन को देख के हम लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई HNO3 ने यहां पर एसिड की तरह बिहेव करा है कि बेस की तरीके से बिहेव करा है. ठीक है, तो HNO3 को इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा. जैसे आपका HNO3 जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसने आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, इसने आप एक प्रोटोन इसको डोनेट करा, तो H2O पॉजिटिव NO2 प्लस HSO4 नेगेटिव. ठीक है, तो H2SO4 ने इसको एक HIN दिया, तो इसलिए ये आपका एसिड रहा और ये आपका बेस रहा, ये आपका बेस रहा, और ये जो आपका आगे है ये इसमें टूट जाता है H2O प्लस N आपका पॉजिटिव. ये H2O फिर आगे H2SO4 से कंबाइन करके आपका HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव बना देता. तो ये जो आपकी रिएक्शन है इसकी ये आपकी इन स्टेप्स में होती है. ठीक है, जिससे हम लोगों को समझ में आता है कि भाई जो HNO3 है वो जिसको हम नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जानते हैं इस केमिकल रिएक्शन में बेस की तरीके से बिहेव करता है. अब ये NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, किस तरीके से बेंजीन पर अटैक करता है, इस मैकेनिज्म का हम डिस्कशन करेंगे. NO2 पॉजिटिव यहां आता है और ये आपका बेंजीन जो है यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं NO2 की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं, या हम इसको तो
ये जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम लोग वीलेंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये आपका जो कार्बोकेटायन है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, तो इसमें जो आपका इस तरीके से रेजोनेंस होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाने पड़ते हैं हम लोगों को। तो ये जो है आपका डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है, ये आपका फिर आगे यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर घूमते हैं, ये सब जो है आपके रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बो कैटायन, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो ये कंपाउंड है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपाउंड ये था, इसमें पास आपका HSO4 नेगेटिव आयन आता है, ठीक है, और जो है आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब आपका बेंजीन रिंग में शिफ्ट हो जाता है यहां पर, और ये एच पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके Na2 बनाता है, और ये एच पॉजिटिव इसके साथ H2SO4 बना लेता है। तो ये आपकी बेंजीन की नाइट्रेशन की मैकेनिज्म होती है। इसको आप आगे अभी एनिमेशंस में भी थोड़ा सा देखेंगे और किस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है। बेंजीन की हम नाइट्रेशन करते हैं तो H2SO4 और HNO3 यूज करते हैं, ठीक है। बेंजीन में हमने H2SO4 डाला, फिर HNO3 डाली, ठीक है। तो ये आपकी जो है रिफ्लक्स कंडेंसर लगा दिया और इसको मैं थोड़ा सा हीट भी करा, तो आपकी नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। ये देखिए इसकी इक्वेशन C6H6+HNO3, HNO3 के साथ इन्होंने रिएक्ट करा, नाइट्रोबेंजीन और ये बेंजीन बन गई। और अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से हुई है, ठीक है, इस पर देखिए ध्यान से। ये आपका HNO3 ने आपका एचआईएन लिया, H2SO4 से बेस की तरह फंक्शन किया, और ये आपका NO2 ने अटैक करा इस पर, फिर जो है हाइड्रोजन आयन रिमूव हुए, और ये आपका चलेगा, और इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन आपकी बन जाती है। जैसे ये क्वेश्चन आया था IIT में, नाइट्रोजन बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 इन ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, HNO3 एक्ट्स एज। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन बेस है, क्योंकि आपका HNO3 H2SO4 से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा भी था। तो आपका H2O पॉजिटिव NO2 प्लस HSO4 नेगेटिव बना रहा था, ये आपका आगे H2O प्लस NO2 में पॉजिटिव में टूट रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। इन द गिवन रिएक्शन C8H10 concentrated H2SO4
and HNO3, only one mononitromethyl benzene product is formed. So C8H10 will be. तो ये आपका कौन सा कंपाउंड होगा इन चार ऑप्शंस में से हमारे को बताना है. देखिए मिथाइल या इथाइल है, ये ग्रुप ऑर्थो और पैराडाइटिक होते हैं. इनमें जब नाइट्रेशन होती है तो आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होती है. तो यदि आप इसमें आप देखें तो यहां पर आपका जो है आपका NO2 आएगा और एक यहां पर आएगा. ठीक है, इसमें आपका जो है या तो आपका इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो आएगा या पैरा आएगा, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बने हैं कई सारे. इसमें भी ऑर्थो इधर इधर और इधर प्रोडक्ट्स करेंगे, लेकिन इसमें आपका यहां लग जाए यहां लग जाए यहां लग जाए यहां लग जाए, चारों ही पोजीशन सेम है. तो इसलिए इसमें केवल डी ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि इसी में ही आपका मोनो नाइट्रेशन करें तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, बाकी सब में एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे. ये आपका जो क्वेश्चन है कि नाइट्रेशन ऑफ ब्यूटेन कंपाउंड विल टेक्स प्लेस एट विच वन ऑफ द कार्बन इंडिकेटेड बाय द नंबर्स, किस कार्बन एटम पर आपकी नाइट्रेशन होगी. तो नाइट्रो ग्रुप और CUH ग्रुप ये दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है. तो इसलिए जो है इन दोनों के रेस्पेक्ट में जो मेटा पोजिशन देखें या तो ये होती है या आपकी ये होती है. ठीक है ना, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा है. तो इसलिए इसमें जो आपका नाइट्रेशन फर्दर होगी वो एट कार्बन नंबर 5 होगी. तो इट इज द करेक्ट आंसर.